की आज पहली समस्या है बेरोजगारी। रोजगार के कारण आज का नौजवान इतना परेशान हो चुका है कि इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो रही। नौकरियों के चक्कर में खून पसीना एक किया जा रहा है, आउटपुट जीरो, उसका हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। समय इतना व्यर्थ जा रहा है, इतनी डिग्री लेकर के इतना पैसा लगा करके पढ़ाई करने के बावजूद यहाँ योग्यता को कोई परिणाम नहीं किया जा रहा। हमारी योग्यता किस चीज में है, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो पढ़ाई कर चुके हैं, हम ये सोचकर चलते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी मिलेगी, चाहे कंपटीशन कितना भी हो। हमें एक उदाहरण जरूर लेनी चाहिए चीन की। चीन के लोगों में, चीन के नौजवानों में क्या ऐसी चीज है कि उनका बाजार आज हमारे भारतवर्ष में छा गया है। उनका एक ही कारण है कि वो नौकरियों के चक्कर में नहीं घूमते, कुछ ना कुछ काम सीखते हैं। वो बचपन में कुछ ना कुछ काम सीखते हैं, जैसे यहाँ की सरकार बच्चों को काम सिखाने के ऊपर प्रतिबंध करती है और वहां चीन की सरकार बचपन में ही कोई ना कोई कार्य करवाती है। यहां हमें शिक्षा में कुछ ऐसे टिप्स नहीं बताए जाते कि हम नौकरी ना करें तो क्या करें, लेकिन चाइना की सरकार टिप्स देने के बजाय उनसे काम करवाती है। कच्चा माल सब घरों में पहुंचा दिया जाता है, जिसे बच्चा बच्चा अपने घर के अंदर करता है। एक दो रुपए वाला पेन हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो 10 पैसे में भारत की तरफ आता है और 10 पैसे से वो बढ़ता बढ़ता सब उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, तब वो हमें 2 रुपए में प्राप्त होता है। जब चीन के बच्चे 10 पैसे में हमें पेन बनाकर भेजते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसे कार्य कर सकते जिससे हम अपना कोई रोजगार चला सकें। ऐसी बात नहीं है कि हम में कर्मठता नहीं है, हम मेहनत नहीं कर सकते। यदि हम नौकरियों के चक्कर में इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो अपना ही कार्य करने में क्यों नहीं समर्थ हो सकते। यदि आज का नौजवान ये समझ ले कि मैं पढ़ाई कर चुका हूं, ठीक है, उसके पास डिग्रियां हैं, रहें, नौकरियों के प्रयास भी एक साल में एक दो बार अवश्य होनी चाहिए, लेकिन हर रोज नौकरियों के चक्कर में भागना ये मूर्खता ही गिनी जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए कि स्वयं का रोजगार किया जाए। स्वयं का रोजगार कैसे, कुछ थोड़े से पैसे लगा करके अपना ही कुछ काम करना, या किसी का सामान बेचना, या किसी के पैसे द्वारा खरीदा गया सामान अपने मेहनत से बेचना, जिसको हम सेल्समैन भी कह सकते हैं। सेल्समैनों का काम यही होता है कि वो दुकानदार का सामान दिखाते हैं, उन्हें पसंद कराते हैं और उसके बदले में अपनी योग्यता धारण करते हैं, उनको उनकी योग्यता दे दी जाती है। और ऐसे और भी कई रोजगार हैं, जैसे छोटा मोटा कोई काम कर लेना, कोई रेड़ी ठेला चला लेना, इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास अब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके लिए छोटा मोटा काम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खराब है। एक रेड़ी वाला, एक सब्जी बेचने वाला भी BA पास हो सकता है, एक रक्षा चलाने वाला MA पास हो सकता है, और छोटा मोटा मजदूरी का काम करने वाला भी पढ़ा लिखा हो सकता है, और खेती में काम करने वाला भी पढ़ा लिखा हो सकता है। हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि पढ़ा लिखा होने से हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन छोटा काम करने में भी हमें गर्वित महसूस करना चाहिए। जैसे सब्जी बेचना, अब सब्जी बेचने में क्या है, जोर लगा करके 2000 में काम शुरू हो सकता है। 2000 की सब्जी में हमें कम से कम 400 रुपये का, 300 रुपये का प्रॉफिट रोज का मिल सकता है। पास में ही सब्जी मंडी होती है, उसमें से अच्छी कुछ सब्जियां खरीदने होती हैं, सुबह जाकर के कुछ अच्छा लाभ कमाना होता है। मैं अपने आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि काम किस प्रकार किया जाए। मैं आपको अपने छोटे भाई की उदाहरण देता हूं।
मेरा भाई एक बार बेरोजगार था, तो उसको मैंने यही काम करने को कहा, लेकिन वो काम की उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मंडी में सुबह सुबह 6 बजे जाना होता है, जिसमें हर तरह की सब्जियां वगैरह मिलती हैं। लेकिन मेरे भाई साहब सुबह 9 बजे उठे और वहां से गली सड़ी हुई सब्जियां ले आए और 600 रुपए की एक रेड़ी खरीद करके उसे बेचने लगे। जब सारा दिन उसे सब्जी ना बिकी, क्योंकि गली सड़ी सब्जी कौन खरीदेगा, हर कोई सब्जी को देख करके परख करके खरीदता है। लेकिन जब वो गली सड़ी सब्जी ले आया और उसे उसी दामों में वो सब्जी नहीं बिकी, बड़ी मुश्किल से उसने वो सब्जी किसी को दे दी या बेच दी या फेंक दी, उसे उस दिन नुकसान उठाना पड़ा। दूसरे दिन भी उसने वैसा किया, लेकिन हर काम के लिए लगन के साथ साथ कुछ ना कुछ हमें सीखना भी चाहिए, हमें सीखने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो किस प्रकार हो सकता है। इसलिए किसी की नौकरी कर लेना भी कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ लिख गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ सीख गए हैं। हमें सीखना सीखने की प्रवृत्ति यदि है तो हम स्वयं का रोजगार कुछ ना कुछ कर सकते हैं, स्वयं कुछ बन सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। हमें गर्वित गर्व महसूस होना चाहिए कि हम जो छोटा काम कर रहे हैं उसमें हम बड़ी कमाई कर सकते हैं। एक छोटा छोटी सी रेड़ी लगा करके सबको रोटी खिलाने वाला, पाव भाजी खिलाने वाला या कुछ अन्य चीजें खिलाने वाला, वो भी बहुत सारी कमाई रोज की कर सकता है। हम रोजाना ऐसी सड़कों में देखते हैं। इस विचार से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बेरोजगारी यदि लगातार बढ़ती जाएगी तो समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। कहते हैं वीला मन शैतान का घर। यदि बेरोजगारी रहेगी तो दुनिया भर की बुराइयां समाज के अंदर फैलेंगी। यदि हमें इन बुराइयों को बचाना है, उन बुराइयों से सारे समाज को, नौजवानों को बचाना है, तो हमें आज ही कुछ ना कुछ स्वयं का कारोबार, स्वयं का काम, स्वयं का हुनर, चाहे वो नौकरी के माध्यम से ही प्राप्त क्यों ना हो, कर लेना जरूरी है। धन्यवाद।